सर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीआर फैक्ट। मैं आपका दोस्त सागर और आज आपको मैं बताऊंगा 10 अनरियलिस्टिक फैक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? और क्या आप जानते हैं कि जो ऋतिक रोशन है उनको कितने अवार्ड मिले हैं? और क्या आप जानते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है? इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे फैक्ट जानने वाले हो जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हुई। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर एक से। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो हमारा चंदे मामा होते हैं, आप वही जो आम रात में देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसकी सतह पर सबसे पहले पैर किसने रखा था? नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सो अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे पहले जो पैर रखा था उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जब मून की सतह यानी कि सरफेस पे जब पैर रखा था तब उनके दिल की धड़कन, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि उनकी दिल की धड़कन 156 पर मिनट थी। दैट्स गजब फ्रेंड्स। आपने इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो कैसे जो अपना जो देश का झंडा है वो कैसे लहरा रहे, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आपको कोका कोला पीने का शौक है? तो आप हो जाओ सावधान, क्योंकि आप उत्तर कोरिया और क्यूबा जैसी कंट्री में आप कोका कोला को खरीद नहीं सकते, मतलब कि आप पी भी नहीं सकते। दैट्स गजब राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो ऋतिक रोशन है वही जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम जमाया रखा है, उन्होंने अपनी फिल्म फ्रेंड्स पूरा गाना गा लेता लेकिन कॉपीराइट आ जाता। फ्रेंड्स, इसी दौरान इन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। और उन्होंने इन्हीं फिल्मों के दौरान उन्होंने 92, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि उनको 92 अवार्ड मिल चुके हैं। दैट्स अमेजिंग राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आपने क्रिकेट तो ज़रूर देखी होगी, तो आप सौरव गांगुली को तो जानते होंगे। उन्होंने वनडे मैच में यानी कि जो वनडे का मैच होता है उसमें उन्हें लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं। सच में गर्व होता है हमारे क्रिकेटर्स पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, चाइना में 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और न्यूयॉर्क टाइम्स की साइट ब्लॉक की जा चुकी है। और इसी साइट ब्लॉक होने के बावजूद भी चीन में लोग इन सारे ऐप को ज़्यादा चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 95 मिलियन लोग हैं जो इन साइट को चलाते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? मुझे ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आप बिना खाए कितने दिन तक जीवित रह सकते हो? आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, नहीं आपके माइंड में भी नहीं आया होगा। मैं बात कर रहा हूँ टरंटुला नाम की मकड़ी की। वो 2 साल तक बिना खाए तक रह सकती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपने इस फैक्ट के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता, तो जाइए और एक लाइक करके आइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आपने दूध को दही में होते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ कि आप सचमुच में चौंक जाएंगे। नहीं, आप सचमुच में चौंक जाएंगे। जो ऊँटनी का जो दूध होता है वो कभी भी दही नहीं बनता है, मीन्स के वो जमता ही नहीं है। दैट्स वंडरफुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, जो कुत्ता होता है उसकी आँख, आप आश्चर्यचकित होंगे, उसकी आंख इंसानों से 5 गुना अधिक ज्यादा तेज होती है। दैट्स वंडरफुल राइट। ये नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? नहीं जानते तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आज। लेकिन जो छिपकली होती है वही जो हमारे मकानों में फुदक फुदक कर चलती है, और उसी जो छिपकली जो होती है उसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। फ्रेंड्स, 1000 बार, दैट्स
क्या कहूँ यार। सो फ्रेंड्स, आपको कब से बेसब्री से जिसका इंतज़ार था वो अब आ चुका है, अब उस फैक्ट की बारी आ गई है। सो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं लास्ट फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, हमें प्यास क्यों लगती है, चलिए देखते हैं इसका फंडा। फ्रेंड्स, हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, वही शरीर जो हमारे हर पल हमारे साथ रहता है, उसमें जिन तत्वों से वो जो बना होता है उसमें 2/3 पानी होता है। और फ्रेंड्स, पानी के बिना हम 5 से 10 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें 3 लीटर पानी हमारे शरीर के लिए निकल जाता है, और 0.5 लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस छोड़ने में, और 1.5 लीटर पेशाब में निकल जाता है। अगर हम रोज़ 3 लीटर पानी नहीं पियेंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, मतलब कि हमें रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अपना आंसर मिल गया होगा। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। और मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो यार लाइक मार दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड वंदे मातरम।